You're watching Exposed India. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मलखान सिंह अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी सेवा दोनों के बंद होने की वजह से बीमार मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मरीजों के परिजनों का कहना है कि मरीजों को 10 दिन से अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी तक उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। ओटी में कुछ परेशानी आ रही थी, इसके कारण बस हो नहीं पाया। क्या बताया डॉक्टर? ओटी में विषाणु आ गए, जीवाणु आ गए। क्या मानते हैं कितने दिन हो गया पिताजी? समथिंग 11 दिन हो गए सर। अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं। वहीं इस संबंध में जब अस्पताल के सीएमओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया होने की वजह से समय समय पर सफाई की जाती है, जिससे ऑपरेशन थिएटर को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। मरीज के भले के लिए, जनहित के लिए हम उस ओटी को कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं, जिससे क्रॉस इन्फेक्शन कभी नहीं फैले। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये जहाँ जहाँ सर्जरी होती है, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी संस्थान में, वहाँ सब लोग इसको करते हैं। और ये एक स्वस्थ परंपरा है। अगर इसमें हम एहतियातन किसी परेशानी को रोकने के लिए, ये जरूरी भी है। आपको बता दें कि जो मरीज गंभीर रूप से बीमार है, उनका इलाज सुचारू रूप से इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में करवाया जाता है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा वैसे ही खराब है। अब देखना ये होगा कि कब तक मरीजों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अलीगढ़ से एक्सपोज इंडिया के लिए सूरज भान भगेल के साथ प्रिया कनौजिया की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।